Dear students, I am Dr. Sashikant Amrakar from Bharti College of Agricultural Engineering Durg. I will teach theory of machine of BTEC first year second semester class. Dear students, today we will start our next topic, gear train. When two or more gears are made to mesh with each other to transmit power from one shaft to another is called gear train or train of toothed wheels. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि दो पैरल जो शाफ्ट हैं, दो शाफ्ट हैं, वहाँ पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए मीन्स एक ड्राइवर से दूसरे ड्रिवन वाले पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए दो या ज्यादा गियर जो हैं वो मैच किए रहते हैं विथ ईच अदर, तो इस सिस्टम को गियर ट्रेन या ट्रेन ऑफ टूथेड व्हील कहते हैं. ठीक है, अ गियर ट्रेन में कंसिस्ट ऑफ स्पर, बेवल और स्पाइरल गियर. तो यहाँ पर तीनों तरह के गियर, स्पर गियर भी हो सकते हैं या बेवल गियर भी हो सकते हैं या स्पाइरल गियर हो सकते हैं. The nature of train used depends upon the velocity ratio. ये मुख्य जो है वो velocity ratio पे depend करता है. Required and the relative position of the axle of shaft. तो जो shaft की जो axle है उनके relative position के ऊपर और क्या velocity ratio हमको वहां पर चाहिए है output में उस पर depend करता है. उसके हिसाब से गियर के डिफरेंट ट्रेन्स बनाए जाते हैं. तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट इज सिंपल गियर ट्रेन, सेकेंड इज कंपाउंड गियर ट्रेन, थर्ड रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड फोर्थ इज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. ऐसे ये चार तरह के गियर ट्रेन्स होते हैं. ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो तीन है, दिस टाइप ऑफ द एक्सेस ऑफ शाफ्ट और विच द गियर्स आर माउंटेड, जो शाफ्ट का एक्सिस रहेगा जहां पे गियर्स माउंटेड रहेंगे, आर फिक्स्ड रिलेटिव टू ईच अदर. बट फोर्थ वाले में क्या होगा, बट इन एपिसाइक्लिक गियर द शाफ्ट ओवर विच द गियर्स आर माउंटेड मे मोर मूव रिलेटिव टू फिक्स्ड एक्सिस. यहाँ पर सारे फिक्स रहेंगे और यहाँ पर ये मूव भी हो सकते हैं फिक्स्ड एक्सिस में. हम इनको एक एक कर पढ़ेंगे. सिंपल गियर ट्रेन, व्हेन देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट इट इज नोन एज सिंपल गियर ट्रेन. यहाँ पर आप देखें, ये पहला ड्राइवर गियर है एक शाफ्ट में और ये ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज. इससे कनेक्टेड ये दूसरा गियर लगा हुआ है जो स्मॉलर है और इसे कनेक्टेड होने के कारण ये ऐसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. ये ड्राइवर है, ऐसा क्लॉकवाइज घुमाता है और ये गियर यहाँ पे एक दूसरे से मिले हुए हैं तो वो इसके डाउनवर्ड क्लॉकवाइज घूमने पर ये भी ऐसा घूमने लग जाता है. तो यहाँ पर आपको ड्राइवर को जैसा हम घुमाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है. द गियर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर पिच सर्कल, गियर्स को उनके पिच सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट इज स्मॉल, जब ये दो शाफ्ट हैं, दो शाफ्ट एक दूसरे के आसपास रहे, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट इज वेरी स्मॉल, द टू गियर वन एंड टू आर मेड टू मैच विद ईच अदर टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अदर. ये मेन क्या है कि जब ये शाफ्ट एक दूसरे के पास रहें, स्मॉल डिस्टेंस में रहें, तब ये पॉसिबल होता है. ठीक है, कि दो गियर जो हैं, एक और दो, वो एक दूसरे से मैच में रहें टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हम मोशन. सिंस गियर वन इज ड्राइवर द गियर टू, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गियर वन जो है वन है वो ड्राइव कर रहा है गियर टू को. Therefore, gear one is called driver. ठीक है, जो drive कर रहा है तो वो driver है.
एंड गियर टू इज कॉल्ड द ड्रिवन ऑफ फॉलोअर। यहाँ पर ये बाद में घूम रहा है टू, वो ड्रिवन या फॉलोअर है। हियर मोशन ऑफ ड्रिवन गियर इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ ड्राइविंग गियर। यहाँ भी हमने देखा ये ड्राइवर गियर है वैसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, और ये जो ड्रिवन गियर है वैसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। सो द मोशन ऑफ ड्रिवन गियर इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ ड्राइविंग गियर। नाउ लेट एनवन इज द स्पीड ऑफ गियर वन ड्राइवर इन आरपीएम एंड एन टू इज द स्पीड ऑफ गियर टू ड्रिवन इन आरपीएम एंड टी वन इज नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर वन एंड टी टू इज नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर टू। सी द स्पीड रेशियो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो ऑफ द गियर ट्रेन इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ ड्रिवन ऑफ फॉलोअर एट द स्पीड ऑफ एनी पेयर ऑफ गियर्स इन मेस इज द इनवर्स ऑफ देयर नंबर ऑफ टीथ। ओके सो दिस स्पीड रेशियो इज द इनवर्स ऑफ द नंबर ऑफ देयर टीथ। सो स्पीड रेशियो इक्वल टू टी टू बाई टी वन एंड दैट इज एन वन बाई एन टू। स्पीड रेशियो स्पीड इज एन वन स्पीड ऑफ एन वन बाई स्पीड ऑफ एन टू इक्वल टू टी टू बाई टी वन। ओके द फॉलोअर एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एनी पेयर ऑफ गियर इन मेस इज द इनवर्स ऑफ देयर नंबर ऑफ टीथ। दिस इज कॉल्ड स्पीड रेशियो। ओके नंबर ऑफ टीथ। नाउ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ड्रिवन टू द फॉलोअर और टू द स्पीड ऑफ ड्रिवन ड्राइवर इज कॉल्ड एज ट्रेन वैल्यू। नेक्स्ट डिफरेंट आइटम इज द ट्रेन वैल्यू। दिस इज द ट्रेन वैल्यू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ड्रिवन ऑफ फॉलोअर टू द स्पीड ऑफ ड्राइवर ड्रिवन टू द ड्राइवर इज कॉल्ड ट्रेन वैल्यू। सो ट्रेन वैल्यू इक्वल टू एन टू स्पीड ऑफ ड्रिवन बाय एन वन इक्वल टू टी वन बाय टी टू। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी सी दैट एन वन बाय एन टू इक्वल टू टी टू बाय टी वन एन टू बाय एन वन इक्वल टू टी वन बाय टी टू। फ्रॉम बोथ दीज इक्वेशन वी नो दैट द ट्रेन वैल्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो एंड इफ इज रेसिप्रोकल दैट देन दैट इज कॉल्ड ट्रेन वैल्यू। समटाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन टू गियर्स इज लार्ज। ठीक है ये तो स्मॉल आस पास गियर थे उसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे, बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि गियर के डिस्टेंस लार्ज हो थोड़ी दूर पे हो। द मोशन फ्रॉम वन गियर टू एनदर इन सच केस मे बी ट्रांसमिटेड बाय आइदर ऑफ द टू मेथड्स। तो इसके भी दो मेथड्स हैं जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टू मेथड्स आर फर्स्ट बाय प्रोवाइडिंग लार्ज साइज गियर फॉर व्हेन द डिस्टेंस ऑफ टू शाफ्ट आर लार्ज देन बाय प्रोवाइडिंग लार्ज साइज गियर एंड सेकेंड बाय प्रोवाइडिंग वन और मोर इंटरमीडिएट गियर। ठीक है या तो हम जो पहला गियर रहेगा उसी को बड़ा कर लेंगे या सेकेंड बोल रहा है कि बीच में हम कुछ और इंटरमीडिएट गियर्स लगा सकते हैं। अ लिटिल कंसीडरेशन विल शो दैट द फर्स्ट मेथड इज वेरी इनकन्वीनियंट एंड अन इकोनॉमिकल मेथड। यदि हम लार्ज साइज का बड़े साइज का गियर बनाए एक गियर छोटा भी हम लोग खरीद जाते हैं हम लोग तो बड़ा महंगा रहता है, यदि उसके अगर हम लोग बड़ा गियर बनाएंगे तो और बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है इसलिए ये फर्स्ट मेथड को ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है अन इकोनॉमिकल है और इनकन्वीनियंट है बोलिए। उसके हिसाब से वहां पर आपको जगह भी होनी चाहिए जो साफ जहां पे आपको लगाना है वो मूवमेंट के लायक उतनी जगह भी होनी चाहिए। वेयर द सेकेंड मेथड इज वेरी कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल जो हम लोग बीच में छोटे छोटे गियर से हम लोग लगा दें तो वो कन्वीनियंट रहेगा और इकोनॉमिकल रहेगा। व्हेन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर्स आर ऑड तब क्या होगा कि जब आपका इंटरमीडिएट गियर जो है वो ऑड रहे एक तीन पांच सात ऐसे रहेंगे तब मोशन ऑफ बोथ द गियर्स आर लाइट। अब मेन क्या है कि हम लोग
जैसा हमको आउटपुट में मोशन चाहिए होता है उसके हिसाब से हमको इम्पोर्टेंट रहेगा कि इंटरमीडिएट गियर हम लोग कितने लगाएं, कैसे लगाएं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि यदि हम लोग ऑड नंबर लगाएंगे, ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, जैसा ड्राइवर का है वैसे ही आउटपुट ड्रिवन का भी आएगा जब हम ऑड लगाएंगे। बट इफ व्हेन द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर्स आर इवन, द मोशन ऑफ द ड्राइवर और फॉलोअर विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ड्राइवर। पर हमको देखना पड़ेगा यदि हमको आउटपुट जो है वो फिक्स रहता है उसके हिसाब से हमको इनपुट गियर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते बीच में कि भाई बीच में कोई वर्क चल रहा है या कोई मशीनरी इसमें फिट है और वहां पर हम बोल दें कि अभी ये क्लॉकवाइज घूम रहा था अब एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर हमको ऐसा करना पड़ता है कि ऑड नंबर लगाएंगे तो जैसा ड्राइवर है वैसे ही ड्रिवन घूमते रहेगा, और इवन लगाएंगे मीन 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे गियर सीधे हम यूज करेंगे तो उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बीच में इंटरमीडिएट लगाएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन घूमेगा, फिर दूसरा इंटरमीडिएट लगाएंगे फिर वो उसके अपोजिट में घूमेगा, तो सेम हो जाएगा वो, ठीक है। ये इंटरमीडिएट यदि इवन लगाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन घूमेगा और लगाएंगे तो लाइक सेम डायरेक्शन में घूमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो आउटपुट है वो किस तरह के डायरेक्शन में चाहिए है। गियर हम लोग यूज भी इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है, और बड़ा गियर यूज करेंगे जैसे हमने बोला यहाँ फर्स्ट टाइम में बड़ा गियर यूज करेंगे तो बड़ा गियर बहुत ही कॉस्टली होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें हम छोटे छोटे 2 गियर 1 गियर 3 गियर ऐसे नंबर ऑफ गियर्स यूज कर सकते हैं, इंटरमीडिएट गियर्स बोलते हैं जिनको। पर यहाँ पर हमको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि जब ऑड नंबर रहेंगे तो वो लाइक यानी सेम डायरेक्शन में घूमेंगे और जब इवन नंबर रहेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। हियर दिस इज वन इंटरमीडिएट गियर इज यूज्ड एट दैट टाइम द ड्राइवर रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक इंटरमीडिएट लगा दिया ये एंटी क्लॉक घूमने लग गया और ये एंटी क्लॉक घूम रहा है तो उससे ड्रिवन वाला जो है वो फिर से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमने लग गया। ये एक इंटरमीडिएट लगाया मीन्स ऑड नंबर है, ठीक है। तो जब ऑड नंबर इंटरमीडिएट गियर हम लोग यूज करेंगे तो जो ड्राइवर का डायरेक्शन रोटेशन और ड्रिवन का डायरेक्शन रोटेशन सेम होगा, ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। और जब हम इवन नंबर यूज करेंगे मीन्स 2 यूज कर रहे हैं, एक जगह 2 इंटरमीडिएट, यहाँ पर देखिए 2 इंटरमीडिएट यूज किए हुए हैं, यहाँ पर ड्राइवर घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इससे कनेक्टेड है ये 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 3 अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और 3 से जो ड्रिवन है वो ड्रिवन फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यदि हमको ये डायरेक्शन ड्राइवर और ड्रिवन का अपोजिट रखना है तो हमको इवन नंबर में इंटरमीडिएट गियर्स यूज करने पड़ेंगे 2, 4, 6, 8, क्योंकि ये डिस्टेंस दूर रहेगा ना, यहाँ पर एक साफ से दूसरे साफ का ड्राइवर से ड्रिवन का डिस्टेंस दूर है, इसके लिए हम लोग ड्राइवर का साइज हमने नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो साइज बढ़ाना क्योंकि हमारे लिए क्लॉक कॉस्टली हो जाएगा, इसकी जगह पे हमने कुछ इंटरमीडिएट गियर्स यूज करने चाहे, तो इंटरमीडिएट गियर्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन आउटपुट का डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। तो यदि एक गियर हम लोग यूज करेंगे तो आउटपुट का डायरेक्शन और इनपुट का डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, और जब हम लोग 2 इंटरमीडिएट यूज करेंगे तो ड्राइवर का डायरेक्शन और ड्रिवन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। सो नाउ अ सिंपल गियर ऑफ सिंपल ट्रेन ऑफ गियर विथ 1 इंटरमीडिएट गियर, दीज आर द कैलकुलेशन फॉर सिंपल गियर ट्रेन एंड 1 इंटरमीडिएट गियर। लेट N1 इज स्पीड ऑफ ड्राइवर, N2 इज स्पीड ऑफ इंटरमीडिएट गियर आर इन RPM, N3 इज स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर इन RPM, T1 is the number of teeth on driver, T2 number of teeth on intermediate gear, T3 number of teeth
on driven or follower. See, the driving gear 1 is in mess with the intermediate gear 2. Okay, and therefore the speed of these two gears is, here we are discussing with the one intermediate, this one, with the one intermediate, okay, gear 1, intermediate gear, and this is the follower. We have discussed with this. So here the speed ratio for these two gears is N1 by N2 equal to T2 by T1. This is equation 1. Similarly, as in intermediate gear 2 is in mesh with the driven gear 3. Okay. Therefore, speed ratio for these two gears is N2 by N3 equal to T3 by T2. This is equation 2. Speed ratio, now the speed ratio for the whole gear 10 means gear 1, intermediate gear and gear 2. We have to combine both the equation. We have to multiply both the equation 1 and 2. So here N2 clashes with N2 and T2 and T2. So the N1 by N3 equal to T3 by T1. Next, the speed ratio, that is speed of driver to the speed of driven, is equal to number of teeth on driven by number of teeth on driver. ये opposite है ना, ये driver है, driven है, ये driven है, ये driver है. And the train value, this train value is reciprocal of speed. So that is speed of driven, ये speed of driven on the denominator. Okay, by speed of driver, that is equal to number of teeth on driver to the number of teeth on driven. Similarly, it can be proved that the above equation holds good even if there are any number of intermediate gears. Okay, जितने भी intermediate gears हैं उनके लिए. From above, we see that the speed ratio and the train value in a simple train of gears is independent of size and number of intermediate gears. यहाँ पर कहीं पे size भी नहीं बोला intermediate gear का, और कितने intermediate gear हमने use किए हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है. So these intermediate gears are called idle gears. तो जो intermediate gears होते हैं उसे हम लोग इवन में यूज कर ले, ऑड में यूज कर ले, एक कर ले, दो कर ले, चार कर ले, छह कर ले, उससे स्पीड रेशियो या ट्रेन वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है. तो इनको आइडल गियर्स बोलते हैं, एज दे डू नॉट अफेक्ट द स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है. जो भी आपका सिस्टम है, जिस मशीन पे आप इसको यूज कर रहे हैं, तो उसका वो कुछ भी चेंज नहीं होता है विद द यूज ऑफ आइडल गियर्स, ठीक है. जो सेम रहता है स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू ऑफ द सिस्टम सेम रहता है. द आइडल गियर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग टू पर्पस. द आइडल गियर हम लोग यूज क्यों करते हैं, पहले बताया था कि आपको जो ड्राइवर शाफ्ट है और ड्रिवन शाफ्ट है दोनों के बीच एक डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, तब हम लोग उसके लिए या तो बड़ा गियर यूज करना था या नंबर ऑफ आइडल गियर यूज कर सकते थे, इंटरमीडिएट गियर यूज कर सकते थे, ठीक है. वही बता रहा है यहाँ पर फिर से, टू कनेक्ट लार्ज सेंटर डिस्टेंस. यदि आपका दोनों के बीच का, ड्राइवर और ड्रिवन के बीच का सेंटर डिस्टेंस से लार्ज हो तो हम लोग आइडल गियर यूज करते हैं. या सेकेंड, टू ऑब्टेन डिजायर डायरेक्शन ऑफ मोशन. जब हमको क्लॉकवाइज में घूम रहा है ड्राइवर, क्लॉकवाइज में हमको ड्रिवन को भी घुमाना है, ऐसे केसेस में हम लोग, या अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, तब इन तरह की केसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं आइडल गियर्स को. तो आइडल गियर्स इम्पोर्टेंट है इस नजरिए से कि भाई इनको हमको नंबर ऑफ गियर्स कितने भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटर डिस्टेंस. और दूसरी बात, हमको जैसा उसको डायरेक्शन ऑफ मोशन लगाना है उस हिसाब से 1, 2, 3, 4 ऐसा यूज करेंगे. ऑड यूज करेंगे तो वो आपको, ऑड यूज करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग जाता है,
और इवन यूज करेंगे तो वो सेम डायरेक्शन में घूमते रहता है। ठीक है, ये इसका मेन पर्पज है। इससे स्पीड रेशो या ट्रेन वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। द इंटरमीडिएट गियर्स आर कॉल्ड आइडल गियर्स एज नॉट इफेक्ट द स्पीड रेशो। स्पीड रेशो या ट्रेन वैल्यू पर ये किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है। तो आपको जैसा भी यूज करना होगा उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए यूज करना होगा या उसका सेंटर डिस्टेंस के लिए यूज करना होगा, तो वैसे हम लोग नंबर ऑफ आइडल गियर्स को यूज करते हैं हमारे सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।